भीम तो रोज हमारे लिए अच्छे काम करता है। वो तो इसकी तरह तोहफे या ये वो नहीं मांगता। करता होगा मदद, पर मुझसे बढ़कर नहीं हो सकता। इस बार इन्हें ये भी दिखा दूंगा कि भीम से बढ़कर है ये अफलातून। मोती को बचा लो, मेरी गलती थी। मोती कुएं में गिर गया, उसे तैरना भी नहीं आता। कालिया, रस्सी खींचे रखना, मैं नीचे जाता हूँ। ठीक है। तुम ठीक हो? देखा, अफलातून के होते हुए इस गांव में किसी और की जरूरत नहीं है। मेरा बटुआ। इसे तो अफलातून ही पकड़ेगा। देखा तुम सबने, अफलातून ने जानबूझकर भीम को धक्का दिया। हाँ भीम, पहले भी मैंने देखा, कुएं में उतरते वक्त भी उसने आगे निकलने के लिए तुम्हारी रस्सी को किनारे धकेल दिया। खुद को समझता क्या है वो? हमारा मकसद आपस में मुकाबला करना नहीं, लोगों की मदद करना है। फिर उसने पहले मदद की या मैंने, इस बात का कोई महत्व नहीं है। पृथ्वी पर हमले के लिए हम तैयार हैं। ओह, मैं चलने से पहले इस गन को टेस्ट करना भूल ही गया। पता नहीं चल रही है या नहीं। बाकी पृथ्वीवासी शायद ना टिक पाए, पर मेरी बात कुछ और है। मुझे क्या हो गया? इस नमूने को साथ ले जाएंगे। पहले यहाँ का काम खत्म कर लें। एक एक पृथ्वीवासी को पत्थर बना देते हैं। सारा शरीर अकड़ गया। और ये है पत्थर से इंसान बनाने वाली गन। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया भीम। मैं तो सोच रहा था कि तुम हमारी क्रिकेट टीम में। ध्यान रखना कि अगर भीम और उसके दोस्त दिखे तो उनसे दूर चले जाना। हाँ, हमें उन बच्चों से दूरी रहना चाहिए। मेरी जगह तुम होते ना तो तुम भी डर जाते।
मैं किसी से नहीं डरता। तुम तो बहुत बहादुर हो चुटकी, तुम बताओ तुम्हें किससे डर लगता है? मुझे ये रेंगने वाले कीड़े, केचुए और हाँ सांप से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात में जब दीवार पर परछाइयाँ पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कोई भूत चुड़ैल है। ओहो, इसमें डरने की क्या बात है? एक कालिया तू बता, तुझे किसका डर है? हाँ? ओह, मैं शेर हूँ शेर, किसी से नहीं डरता। और हम भी किसी से नहीं डरते। क्या? हाँ, बस कालिया उस्ताद से डर लगता है। बाप रे बाप, ये कितना बड़ा महल है। आज चल के देखते हैं कि क्या हम इसमें रात बिता सकते हैं या नहीं। मुझे देखने दो। सबक सिखाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। माँ क्या हुआ? देख बाहर तीन राक्षस तुम्हें बुला रहे हैं, तू बाहर मत जा। माँ मैं भीम हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। कृष्णा भी तो किसी से नहीं डरते। कृष्ण की बात अलग है बेटा। माँ तू मुझ पर भरोसा तो करके देख, तेरा भीम नहीं डरता और हारता भी नहीं। ऐसे कितनी देर चुपके रहोगे भीम? डर लग रहा है क्या तुम्हें? तो पूरी पलटन आई है। भीम तो अकेला ही तुम पर भारी पड़ता, पर हमें लगा कि तुम लोगों को जल्दी निपटा देते हैं। क्या ये मजाल? शक्ति आग है। अरे गुस्से में लाल पीले क्यों हो रहे हो? मुझे जला कर बताओ तो मानूं। अच्छा तो लो मैं आ गया।
पहलू, तुमने मुझे मारा क्यों? चिल्लाओ मत। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? ओहो, ये दोनों समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर चांद बादलों में छिप गया तो ये तीनों वापस इंसान बन जाएंगे। सब इस भीम की चाल है। ये क्या, मैं तो छोटा हो रहा हूँ। नहीं, हमने देर कर दी, चांद को तो बादलों ने ढक लिया है। भागो! सत्यानाश, ये भीम हमेशा जीत जाता है, परेशान कर रखा है इसने मुझे। एक दिन मैं भीम को ऐसा हराऊंगी कि वो याद रखेगा, वो मुझसे डरने लगेगा। हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। एक आखिरी दौड़ हो जाए, देखते हैं कौन जीतता है, सिर्फ मैं और राजकुमार धीर। जरूर, मैं तैयार हूँ। जो भी हारेगा वो जीतने वाले को अपनी सबसे प्यारी चीज देगा। उस्ताद तो जरूर हारेंगे। और उस्ताद के फेवरेट है। आप हमें धीर को कैसे दे सकते हैं उस्ताद? ये गुब्बारा लाएंगे कहाँ से? चलो चलकर अभी चाचा से पूछते हैं, वही बताएंगे। हवा में उड़ने वाला गर्म हवा का गुब्बारा यहाँ मिलना तो मुश्किल है, लेकिन खुद बनाना आसान है। तो फिर हम अपने आप ही बनाएंगे। यहाँ देखो बच्चों, गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है और इसीलिए ऊपर जाती है। बस गुब्बारे में खूब सारी गर्म हवा भर दो तो गुब्बारा भी ऊपर उड़ेगा और उसके साथ साथ हम भी। तो चलो जल्दी जल्दी सामान जुटाते। हाँ,
समय कम है। राजू, चुटकी, तुम दोनों कपड़ा लेने जाओ। कालिया, ढोलू भोलू, तुम रस्सी, सुतली और सिलाई के लिए सुइयां ले आओ। गर्म हवा बनाने के लिए हमें एक बड़े बर्नर और सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। हिम और जग्गू, तुम वो लाने मेरे साथ आ जाओ। चलो। बेवकूफों ने क्या किया? तोड़ दिया, तोड़ दिया। ये सितारे कितने सुंदर लगते हैं ना? हाँ चुटकी, इन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। तुम्हें कौन सा सितारा सबसे अच्छा लगता है चुटकी? वो वाला।
और राजू तुम्हें? मुझे तो मेरे चंदा मामा ही सबसे अच्छे लगते हैं। काश हम चंदा मामा से मिलने जा पाते या फिर उनके बारे में थोड़ा और जान पाते। क्यों नहीं जान सकते? मैं किसी को जानता हूँ जो हमें चंदा मामा के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्या सच? मुझ कल सुबह हम प्रोफेसर धूमकेतु से मिलने जाएंगे। हाँ। चलो जल्दी, वो खजाना ढूंढने जा रहे हैं। चांद तारों का खजाना, ये मेरे मंत्र तंत्र के काम आ सकता है। मुझे भी पीछे पीछे जाना होगा। रुको, चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं जाते। लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, जान तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना? मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना? कमाल है चुटकी, तुमने पहली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? कालिया, अगर काम आसान हो तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब। प्रोफेसर इत्तिमान हूँ बच्चों, और मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे पूर्वजों का एक शानदार किला, पर मेरा नक्शा तो यही बता रहा। मिल गई। यही है धौलतपुर का मशहूर किला। बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? अजगर को जल्दी बताना होगा। दो बच्चे हमारे किले में घुसाए हैं। बच्चे कैसे? कोई बात नहीं, अजगर सब संभाल लेगा। मखदूम, जरा बच्चों को हमारी भूत की सेना से मिलाते हैं। जी अजगर साहब। तुम शैतान बच्चे यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगे। मुझे कृपया थोड़े लड्डू देंगी? आप ढोलकपुर में नए हो? पहले कभी नहीं देखा। मैं प्रोफेसर इतिमान हूँ। आपके ढोलकपुर में मेरे पूर्वज एक अद्भुत किला छोड़ गए हैं। बस अब मैं उसी की जांच कर रहा हूँ। किला ढोलकपुर में? कब से मेरा सपना है कि मैं एक सुंदर होटल खड़ा करूं और अपने हाथ से बनाया खाना सबको खिलाऊं। किला तो एकदम ठीक रहेगा, लोग देखने आएंगे और लड्डू खाएंगे। हाँ हाँ, मेरा रहना भी आसान हो जाएगा। हैं? चलो मैं अभी आपको किला दिखाता हूँ। भीम, राजू और जग्गू सुबह से गायब है। अभी मौसी एक किले के बारे में बात कर रही थी, शायद राजू और जग्गू भी वही होंगे। चलो। ये देखो राजू यहाँ आया था। पर राजू कभी भी अपने तीर धनुष ऐसे नहीं छोड़ जाता है। और ये मूर्तियाँ कैसे गिर गईं? यहाँ कुछ
गड़बड़ है भीम। ये सब तो हमारे अड्डे को होटल बनाने में लगे हैं। चिंता मत करो, आज रात को ही सबको डरा के भगा देते हैं। चलो मुझे सोने दो। बात है, चोरी का माल यहाँ छुपा रखा है और अब तुम भी कभी निकल नहीं पाओगे, वरना क्या बच्चों मखदूम। अब कहाँ जाओगे? ये देखो राजू, जग्गू, इन गुंडों ने हमें कैद कर रखा था, हम भागने का रास्ता ही ढूंढ रहे थे। अब तो ये चोर भागने का रास्ता ढूंढते रहेंगे महाराज की काल कोठरी से। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। मसल के रख दूंगा। शांत हो जाओ कालिया, यहाँ तो सिर्फ राजू है। ये। क्या हो रहा है यहाँ पर? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और तुम दोनों जमीन पर उल्टे क्यों पड़े हुए हो? वो उस्ताद, हम तो उस्ताद, हम तो कसरत कर रहे थे। कसरत? पर हमने तो तुम्हें कालिया के पेट पर कूदते हुए देखा था। क्या? तुम दोनों को तो मैं कोई बात नहीं कालिया। और फिर इन दोनों के कूदने से तुम्हारे पेट पर क्या फर्क पड़ेगा? हैं? प्रोफेसर, ये किला आपने ढूंढा है, ये सब कुछ आप ही का है। और अब इस खुशी के मौके पर सबके लिए लड्डू। लड्डू का शौकी।